हेलो गाइस, तो आप कैसे हो? तो मेरे भाई बढ़िया रहना। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एंड ओपी होने वाली है, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे गैरिना फ्री फायर की ओल्ड मेमोरी के बारे में। तो गाइस अभी मैं आपको बता देता हूँ भाई मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मतलब कि यार पिछले दिनों में। एंड गाइस जो मेरे साथ हुआ था वो आपके साथ भी हुआ होगा, ठीक है। तो भाई स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो गाइस हमारा 2017 में मतलब कि यार गैरिना फ्री फायर आ गया था। तो भाई बहुत सारे बंदों ने 2018 में खेला, तो 19 में खेला। तो भाई मैंने मिनिमम 2018 के समथिंग में खेलना स्टार्ट कर दिया था। तो गाइस मैंने गेम को पहली बार इंस्टॉल किया था, यानी कि भाई बहुत कम एमबी में इंस्टॉल होता था, 300 या फिर भाई 500 एमबी के समथिंग में, ठीक है। एंड भाई सबसे पहली बात मैंने इसको इंस्टॉल किया, एंड भाई तब मेरे पास मोबाइल था 1 GB रैम का। एंड गाइस एकदम ओपी गेम प्ले होता था उसके अंदर भी। तो गाइस मैंने इंस्टॉल किया भाई, मैंने एक दिन खेला फिर डिलीट कर दिया, ठीक है। एंड भाई दूसरे दिन फिर मैंने इंस्टॉल किया फिर डिलीट कर दिया। मैंने भाई 3-4 बार गैरिना फ्री फायर को मतलब कि यार इंस्टॉल करके डिलीट किया। फिर भाई मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब कि यार ये गेम प्ले समझ आया, एंड भाई मैंने खेलना सीखा। तो भाई इसकी एकदम ओपी तरीके से लत लग गई। एंड भाई घर वाले बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगे, पर भाई मैं मानता था क्या भाई, मैं तो गेम खेलता था तो खेलता था। और भाई पहले सबसे बढ़िया बात, ना ही भाई कोई वन टिप मारता था और ना ही भाई कोई वन टिप किंग था। और भाई मूवमेंट मूवमेंट कैरेक्टर स्किल इन सब पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, ठीक है। एंड भाई पहले ओनली एक ही चीज़ चलती थी भाई, यूट्यूब पे देखो ना तो ज्ञान गेमिंग भाई, और उनके हाथ में एक के ड्रैगन एके। और भाई ड्रैगन एके हमको मतलब कि यार पहले बिल्कुल फ्री में मिली थी, तो भाई हमने ले नहीं पाए थे क्योंकि हमको इतनी ज़्यादा अहमियत पता नहीं थी कि भाई ड्रैगन एके की भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, पर भाई फ्री में मिली थी, ठीक है। एंड भाई ड्रैगन एके क्यूपिड स्कार यही गन स्किन थी पहले, ऐसा नहीं है कि गन स्किन ना हो, थी, पर ये दोनों थी और बहुत ज़्यादा लीजेंडरी थी। और भाई सबसे पहली बात, तो भाई सबसे पहले सबसे ज़्यादा यूज होती थी हमारी M4A1, जो कि गाइस आप M4A1Z चलाते हो, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भाई पहले भी हमारी M4A1 बहुत ज़्यादा यूज होती थी। एंड गाइस मैं आपको बताऊं कि हमारे मोहल्ले के अंदर सबसे पहले गेम खेलना मैंने स्टार्ट किया था आपके भाई ने, ठीक है। तो भाई जो साइको और शैडो है ना, तो ये मेरे से पूछते हैं कि भाई राहुल भाई तू क्या कर रहा है, ये क्या है? तो मैंने बोला कि भाई ये गैरिना फ्री फायर है। तो उन्होंने बोला भाई मुझे भी बता। तो उन्होंने खेला, एंड भाई उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये, मतलब कि 3-4 दिन खेला, एंड भाई उनको थोड़ा बहुत समझ आया, तो भाई वो भी खेलने लग गए। एंड गाइस सबसे पहली बात, पहले मतलब कि यार अगर आपने डायमंड रैंक कर ली ना, तो भाई आपको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती, और भाई हीरो एक पे तो भाई भगवान समझते थे। तो गाइस पहले सिर्फ एक ही बात होती थी कि भाई हमारे जो फ्रेंड लॉक्स थे ना, वो पूछते थे भाई तेरे पास मतलब कि यार हीरो एक के कितने बंदे हैं, क्या होती थी भाई हीरो एक के कितने बंदे हैं, ठीक है। तो भाई हम बोलते थे भाई हमारे पास एक है, तो भाई किसी किसी के पास तो एक भी नहीं होता था। तो गाइस मैं बताऊँ आपको, सबसे पहले हमारे यहाँ पर मतलब कि यार डायमंड 1 लगाई थी साइको ने पानी में कूद कूद के, नूबड़े ने सर्वाइव करके मतलब कि यार डायमंड 1 लगाई थी। तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि यार एकदम से मैंने बोला भाई तू डायमंड 1, मैं तेरे से पहले से खेल रहा हूँ भाई, मेरी क्यों नहीं? तो भाई मैंने मतलब कि यार रैंक पुश करना स्टार्ट किया। तो भाई उस वक्त पे मेरा एक फ्रेंड था जिसका मतलब कि यार मेरी जो मतलब कि यार उसका शादी हो गया, पर भाई पहले हमने डीओ में खेला, बहुत ज़्यादा रैंक पुश की। तो भाई हम दोनों ने मतलब कि यार पहली बार हीरो एक लगाई थी, एंड गाइस डायमंड पे नहीं रुका था आपका भाई, सीधा हीरो एक गया था, ठीक है। और भाई मैं आपको बता दूं 3-4 सीजन मैंने पापड़ बेले थे हीरो एक पहुंचने के लिए, पर भाई हीरो एक नहीं पहुंच पाता था भाई। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था पर हीरो एक नहीं पहुंच पाता था। पर गाइस फाइनली मतलब कि यार एक दिन आया और भाई हम हीरो एक पहुंच गए। और गाइस मैं आपको बताऊं कि उस समय हम खेलते थे प्रियेश तास, और भाई उसी के बाद गौतम भाई थे एंड मैं था, और भाई साइको शैडो हमारे साथ नहीं खेलते थे। हम उन नूबड़ों को पहले मतलब कि यार खिलाते नहीं थे, हम उनको नूबड़ा बोल के भगा देते थे, क्योंकि गाइस पहले मतलब कि यार इन्होंने गेम खेलना ही स्टार्ट किया था। एंड गाइस हमको 2-3 महीने हो गए थे, तो भाई हम मतलब कि यार थोड़ा एक्सपीरियंस था एंड अच्छा खेलते थे, ठीक है। और भाई हीरो एक पे बहुत प्रो बंदे आते थे। एंड गाइस फिर धीरे धीरे हमारे फ्री फायर के अंदर डीजे आलोक आया, फिर भाई उसके डीजे आलोक के बाद हमारे फ्री फायर के अंदर CR7 आया, और फिर भाई मतलब कि यार कैरेक्टर्स आते चले गए। एंड गाइस हमारा गेम बकवास होते चला गया। तो अभी आप ये मैप देख पा रहे होगे, तो भाई अभी कुछ हमारे इस प्रकार के मैप हैं, हाई ग्राफिक्स के हैं। एंड गाइस जो हमारा 1 GB रैम में फ्री फायर चलता था बिना लैग के, अब भाई वो 2 GB एंड 3 GB में भी बिना लैग के नहीं चलता है, क्योंकि ग्राफिक्स हाई कर दिए। एंड गाइस बहुत ज़्यादा मतलब कि यार इसमें मटेरियल बढ़ा दिया गया, कैरेक्टर स्किल एंड भाई गन स्किन्स भाई बैक टू बैक, मतलब कि यार यहाँ पर गैरिना फ्री फायर ने तरक्की की। और भाई मुझे मतलब कि यार अब ना भी खेलूँ ना फ्री फायर तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर भाई पहले एक अलग टाइप का वो था। पर भाई अभी भी गेम अच्छा है, ठीक है, वो अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। पर भाई अभी मैं आपको बता दूँ, आपने अभी कोई लक्ष्य तैयार नहीं किया है, ठीक है। पहले हम हीरो एक जाते थे तो बहुत इज्जत मिलती थी, अब भाई ग्रैंड मास्टर पर भी वो इज्जत नहीं बची है। पर भाई यहाँ पर गैरिना बहुत सारे मतलब कि यार चेंजेस करने की कोशिश कर रहा है, और भाई बहुत ही जल्द हमारा
जाएगा गैरीना फ्री फायर हमको रिटर्न देखने के लिए प्ले स्टोर के अंदर रिटर्न भी देखने के लिए मिल जाएगा। और गाइस गैरीना मतलब कि यार बैक टू बैक कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या पता भाई मतलब कि यार कुछ और अच्छा हो और गाइस हमको मतलब कि यार अच्छा लगे। तो मैंने तो सिर्फ ओल्ड मेमोरी आपको बताई थी, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मेरे भाई बाय बाय टाटा, तो लव यू ऑल फ्रेंडों को, जय हिंद जय भारत, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो मेरे भाई बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना, ये बिल्कुल फ्री रहता है।